गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। एयरसॉफ्ट गन इंडिया के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोल्ट M45 CQBP उमर एक्स। इट इज मेड बाय उमर एक्स कोल्ट M45 CQBP एयर पिस्टल। बेसिकली दिस इज अ BB पिस्टल एंड दिस इज अ फुल मेटल गन। आप देख सकते हो इट्स अ BB पिस्टल विथ 12 ग्राम CO2, 17 राउंड की कैपेसिटी है। सो एट अ टाइम मैगजीन में आप 17 राउंड्स फिल कर सकते हो। दिस इज सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नहीं है। सेमी ऑटोमेटिक में अभी हमारे पास जितनी भी गन्स है सारी सेमी ऑटोमेटिक में ही आ रहे हैं, तो ये सेमी ऑटोमेटिक ही है। सो देख सकते हो ये जो गन है, आपको कैसे यूज़ करना है सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये बटन दिख रहा होगा, जैसे आप इसको प्रेस करते हो मैगजीन जो होगी वो बाहर आ जाएगी और इसमें आपको यहाँ से BBs डालने होंगे। जनरली ये है 17 राउंड की, तो आई डू रिकमेंड कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 15 ही डालिए, बिकॉज जितना आप कम डालोगे उसमें स्प्रिंग की जो लाइफ होगी थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी। यहाँ से आपको CO2 डालना है एंड इसमें ये एलेंकी भी है, तो ये एलेंकी से आप इसको यूज़ करते हुए आप जो CO2 है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ब्लोबैक, सो यस इसमें आपको ब्लोबैक का भी फंक्शन आपको मिल जाएगा। सो रिलीज़ करने के लिए आपको यहाँ पे ऐसा करना है, सो ये रिलीज़ हो जाएगा। सेफ्टी के लिए आपको जो हैमर है वो पीछे की तरफ खींच के आपको इसको ऊपर की तरफ करना है, तो दिस इज़ सेफ्टी, आगे पीछे भी नहीं होगा। सो जैसे आप इसको नीचे की तरफ करोगे, सो दिस इज़ फायरिंग, तो यू कंटिन्यूसली आप फायर कर सकते हैं। और सबसे पहले अब आप इसको फायर करके दिखाते हैं कैसे इंस्टॉल करना है और इसकी एक्यूरेसी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वो आपको बताते हैं। सो दिस इज़ 4.5 mm BB, आप देख सकते हो इसके ऊपर मेंशन होगा, ये ऐसे BBs आएंगे। सो यहाँ से छोटा सा होल है, इस तरफ से आपको डालना होगा, तो ऐसे 17 राउंड डल जाएंगे, बट मैं जनरली 10 ही डालूंगा। सो ये ऐसे डल जाएगा और जो CO2 है ये आपको लेना है। दिस इज़ 12 ग्राम CO2, कम्स विथ R ब्रांडिंग, देख सकते हो एयरसॉफ्ट। सो यहाँ पे ऐसा आपको रखना है और एलेंकी से पहले आपको इसको लूज़ कर लेना है, तो जैसे ये फिट हो जाए टाइट करना स्टार्ट करना है। जैसे ये इसमें टच हो जाता है, टच होने के बाद आपको क्या करना है, मोस्टली क्लाइंट्स को इश्यू यहीं पे आता है। सो मेक श्योर कीजिए जैसे ये एलेंकी पूरा यहाँ तक टच हो गया है, यहाँ से टच है, यहाँ से टच है सील पे। सो जैसे आप घुमाना स्टार्ट करोगे तो जैसे इतना या इतना घुमाते हो तो वो ऑलरेडी लोडेड हो जाता है। ये लोड हो गया, सो अब आपको फायर करके दिखाते हैं। ऐसे की तरफ डालना है और सेफ्टी से हट गया है, सो अब आपको फायर करके दिखाते हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हो टारगेट है, मैं वहाँ पर फायर कर रहा हूँ। सो अभी देख सकते हो सारे BBs फायर हो गए, तो ये पीछे की तरह ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाएगा। सो आपको ये ऐसे निकाल के और एक्स्ट्रा BBs आप डाल के फायर कर सकते हो। 4, सो 13 के राउंड मैंने डाले हैं वापस से, और एक बार और फायर करके आपको दिखा देते हैं। सो अगेन टारगेट है सामने। सारे फायर हो गए 13 राउंड्स, तो आप देख सकते हो अगेन ये लॉक हो गया। सो आप देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट जो है इस गन से 2 मैगजीन मैंने फायर करी, तो कुछ तो मोस्टली तो नहीं लगा, कुछ शॉट हैं जो एक्यूरेट भी लगे हुए हैं। सो यस, अगर आपको पैलेट कैचर ऑर्डर करना है, जस्ट बिकॉज दिस इज़ BB गन तो ये रिफ्लेक्ट भी होता है, तो अगर आप ऐसा पैलेट कैचर ऑर्डर करना चाहते हो तो इसके लिए भी ऑप्शन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो ये थी गाइस CQBP एयर पिस्टल कोल्ट का, विच इज़ मेड बाय उमर एक्स। आप देख सकते हो मैंने कितने फायर किए थे तो आपको पता ही है। सो CO2 कैसे आपको रिमूव करना है वो आपको बता देता हूँ। सो एलेंकी लगा के आपको उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज आपको घुमाना है ये। सो मेक श्योर कीजिए जब भी आप इसको निकाल रहे हो तो इस तरफ आपके जहाँ से, क्योंकि यहाँ से प्रेशर पड़ेगा तो इस तरफ से ये जो CO2 है वो बाहर आएगा, तो वहाँ पे कोई हो ना। सो एक बार में ये जो भी गैस होगी वो सारी निकल जाएगी। सो अगेन आप इसको ऐसे रख सकते हो
एंड आप देख सकते हो यहाँ पे आगे की तरफ जो है एक्स्ट्रा अटैचमेंट, अगर आपको लेज़र अटैच करना है तो वो ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाएगा। एंड जो गन है वो इससे तो पूरा मेटल का ही है, सो फुल मेटल अगर आप एक्सपेक्ट करो तो यस दिस इज़ फुल मेटल। सो फुल मेटल में काफ़ी अच्छा ऑप्शन अगर आप देख रहे हो ब्लूबैक में, तो यस दिस इज़ वेरी बेटर ऑप्शन। ऑर्डर करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हो, या अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, या डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आप मेल करना चाहते हो तो airsoftgunindia@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हो, इन्फो पे अवेलेबल है info@airsoftgunindia.com, वहाँ पर भी आप हमें मेल कर सकते हो। कॉल बैक का ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप चाहे तो वेबसाइट से जाकर के कॉल बैक रिक्वेस्ट के लिए आपका नाम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, और सबमिट करते ही हमारी तरफ से आपको कॉल बैक आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की आपको अपडेट मिल जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन गाइस हैव फन।